अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद सदर खान और आप देख रहे हैं सदर खान टीवी चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम इस चैनल पर कोरेडा एक्सेट का मुकम्मल ट्यूटोरियल स्टार्ट कर रहे हैं, एक मुकम्मल कोर्स दे रहे हैं जो कि डे बाय डे ट्यूटोरियल पर डिपेंड होगा। लेकिन याद रखिए, बहुत सारे फ्रेंड्स ने, बहुत सारे यानी कि मेंबर्स ने इस हवाले से डिस्कस किया है कि हम तमाम वीडियोस व्हाट्सएप में लिंक में या फेसबुक के तौर पे देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि डेफिनेटली बहुत सारी जो फाइलें होती हैं जो वो अबाउ 30 मिनट्स या 20 मिनट्स पे जाती हैं, तो वो व्हाट्सएप सपोर्ट नहीं कर रहा होता। लिहाजा वो आप फेसबुक अपना यूट्यूब चैनल सदर खान टीवी, सदर खान टीवी जो सर्च करके आप वहां से लिंक ले सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप सब ने डाउनलोड कर लिया होगा, और अगर अभी तक किसी ने डाउनलोड नहीं किया तो वो सदर खान टीवी की वहां पे मैंने अपलोड में दे दिया है, उसका लिंक भी दिया हुआ है, और इस लिंक के जरिए आप इजी से डाउनलोड कर सकते हैं। और याद रखिए, उसकी फ्री रजिस्ट्रेशन है, जो कि आप बेहतर समझते हैं कि हम रजिस्ट्रेशन के बगैर किसी भी ऐसे सॉफ्टवेयर को जो कि अर्निंग सॉफ्टवेयर होता है उसको इंस्टॉल नहीं कर सकते। लिहाजा मैंने उसका शॉर्टकट वो भी दिया हुआ है कि हम उसको रजिस्टर्ड कैसे कर सकते हैं और फ्री कर सकते हैं, फ्री रजिस्टर करने, और बहुत ही आसान सा तरीका है। और उसके बाद आपको उसको परचेज करने की जरूरत नहीं है, आप उसको फॉर लाइफ यूज कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं आएगा, और ना ही आपको आपका यानी कि उस पर काम अगर करते हैं तो वो आपका काम में कोई मसला आएगा। डेफिनेटली अगर कोई सॉफ्टवेयर खराब हो जाता है तो हमें, हमारा जितना भी काम होता है वो सारा जाया हो जाता है जब तक हम उसको दोबारा से इंस्टॉल नहीं करते। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई इशू नहीं है, आपको फ्री रजिस्टर करने का तरीका भी बताया गया है और आप इजीली से इंस्टॉल कर सकते हैं। और जिन दोस्तों ने, जिन भाइयों ने, जिन आप वन टू ऑल जिन्होंने भी अभी तक ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया, वो इंस्टॉल कर लें, फ्री रजिस्टर कर लें, और उसके बाद ये हम डे बाय डे क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो टुडे आवर फर्स्ट लेक्चर, सो लेट वी स्टार्ट। जी, यहाँ पे ये देख सकते हैं कोरेडा एक्सेट, ये हम इसको स्टार्ट ले रहे हैं। आप डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे, डबल लेफ्ट क्लिक, तो इंशाल्लाह ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ये स्टार्ट में ऑप्शन आता है अर्जेंट, कोरेडा है स्विच टू व्यू मैनेजर। यहाँ पे आपने इसको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ क्लोज कर देना है। यहाँ से क्लोज कर दें, यहाँ से क्लोज कर दें, आपकी ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी मर्जी है। और ये याद रखिए, ये देख सकते हैं लिमिटेड टाइम ओनली सेव 40%। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये $399 का है, जो कि आपको परचेज करने से मिलेगा, लेकिन मैंने आपको फ्री में दिया है। ये आप देख सकते हैं आपके सामने है, ये पहले इसकी जो वो अपना परचेज रेट था 669 था, लेकिन अभी जो रिसेंटली चल रहा है वो 399 है, लेकिन मैंने आपको फ्री में दे दिया है। और आपने इसको जब भी आपके सामने आया, आप इसने को क्लोज कर देना है और आपको कोई इशू नहीं बनेगा। इंशाल्लाह आप इजी से इसको रन कर सकेंगे। ये आप देख सकते हैं आपका कोरेडा X8 ये प्रॉपर स्टार्ट हो रहा है, ओपन हो रहा है। तो चलिए हम देखते हैं इसको वेलकम स्क्रीन पे। जी, यहाँ पे इसको भी आप क्लोज कर देंगे अगर ऑप्शन आपके पास ये आता है तो, वरना नहीं आएगा। यहाँ पे ये हमारे पास लेटेस्ट फाइल ऑलरेडी ओपन थी। यहाँ पे मैं न्यू पेज पे जाता हूँ, न्यू पेज पे यहाँ पे आपके सामने है। जैसे ही ये वेलकम स्क्रीन आती है, याद रखिए जब भी आपके पास वेलकम स्क्रीन आएगी और ये वाला क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट जो कि आपके सामने ये देख सकते हैं, नेम, प्रेजेंट, डेस्टिनेशन एंड साइज, विड्थ, हाइट, नंबर ऑफ पेज, प्राइमरी कलर मोड एंड रेंडरी रेजोल्यूशन, प्रीव्यू मोड, कलर सेटिंग, डिस्क्रिप्शन, डू नॉट शो दिस डायलॉग अगेन। तो ये आप यहाँ पे अगर क्लिक कर देंगे तो ये डायलॉग शो नहीं होगा, लेकिन आपने यहाँ पे क्लिक नहीं करना और इसको आपने ओके कर देना है। ऐसे ही प्रोफेशनली तौर पे मैं काम कर रहा हूँ, डेफिनेटली मैं यहाँ पे कोई साइज़ नहीं देने वाला। आप अगर यहाँ पे चाहें तो साइज़ दे सकते हैं। यहाँ पे कस्टम प्रेजिडेंट, ये कस्टम, आप ये देख सकते हैं आप कस्टम कोरेडा डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट CMYK के वेब डिफ़ॉल्ट, RGB कोरेडा डिफ़ॉल्ट कस्टम, यहाँ पे आप इसको कस्टम पे रहने दें।
और उसके अलावा साइज़ अगर यहाँ पे आप देना चाहते हैं, ये आप देख सकते हैं, आपके सामने ये साइज़ मौजूद हैं सारे जी। इनमें से आप कोई भी साइज़ दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं साइज़ मोस्टली नहीं देता और इसको ओके हम कर देंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं न्यू पेज पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोरलड्रा X8 यह न्यू पेज है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे ऑलरेडी 3 पेज ओपन है। ये देख सकते हैं अनटाइटल्ड 1, 2 एंड 3, ये तीसरे पेज पे हम मौजूद हैं। अगर हम इसको क्लोज़ कर देंगे तो आप देख सकते हैं ये क्लोज़ हो गया है। अभी हमारे पास 2 रह गए, 2 पेज रह गए हैं। 1 को भी हम क्लोज़ कर देते हैं जी। तो हमारे पास अभी ये 1 पेज है हमारे पास अनटाइटल्ड 2 के नाम से। ये भी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट आपको बताऊँगा। तो हम यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी फाइल मेन्यू बार है और ये हमारी टूल बार है। ये हमारे टूल्स हैं, हमारे औजार हैं जिनके ज़रिए हम अपना काम कर सकते हैं। ये हमारी तमाम जो है ये प्रॉपर्टी बार है, यहाँ पे हम प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं। और याद रखिए ये मैंने सेटिंग की हुई है, इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, इसे आप मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ ये टूल्स हैं, इनकी मदद से भी आप ये काम कर सकते हैं। तो ये मैंने लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी, उस वीडियो का लिंक भी डेफ़िनेटली आप सदर खान टीवी चैनल के नाम से आप वो देख सकते हैं। ये मैं लिख रहा हूँ सदर खान टीवी जी, आप YouTube पे सदर खान टीवी के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। और सर्च करने के बाद आप कोरलड्रा X8 में प्लेलिस्ट में जाएंगे और प्लेलिस्ट से आप ये तमाम वीडियोस कोरलड्रा X8 की ले सकते हैं, जिसमें ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि कोरलड्रा को किस तरह डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है, और उसके बाद कोरलड्रा को रजिस्टर्ड किस तरह करना है, फ्री रजिस्टर्ड करना है। और नेक्स्ट ये आप याद रखिए कि मैंने इसकी प्रॉपर सेटिंग बता दी है कि ये हम किस तरह इन टूल्स को सेट कर सकते हैं। तो मैं टॉपिक को लंबा नहीं करना चाहता, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये देखें, ये आपके सामने ये कलर्स हैं। यहाँ पर आप अगर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जी, ये मैं थोड़ा सा आपको शार्ट सा बता देता हूँ। यहाँ पे आप इस पर क्लिक करेंगे और आप कस्टमाइज़ पे जाएंगे। कस्टमाइज़ पे जाने के बाद यहाँ पे आप कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में जाएंगे और आप ओके कर देंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये तमाम कलर्स मौजूद होंगे जी। इनमें से आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये कलर हम किस तरह फिल कर सकते हैं। याद रखिए आप, ये सबसे पहला हमारा जो टूल है जिस पे हमने आज बात करनी है, ये पिक टूल है। पिक टूल, इसको हम पिक टूल भी कहते हैं जी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर की मदद से ही हम काम कर सकते हैं। इसकी शॉर्ट की आप देख सकते हैं, रेक्टेंगुलर टूल F6 इसकी शॉर्टकट की है। और हम इसको लेके यहाँ पे ये देखें, डेफिनेटली यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और ये हमारा साइज़ है। यहाँ पे हम साइज़ ले सकते हैं, कोई भी फाइल है फॉर एग्ज़ाम्पल, ये आप देख सकते हैं ये मैंने पेज पे सिलेक्ट किया हुआ है 8.5 बाय 3.5। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कस्टम डेफिनेटली हमने सिलेक्ट किया था, तो ये कस्टम ही चल रहा है हमारा। यहाँ पे हमारे साइज़ दिए हुए हैं, कस्टम लेटर, बिजनेस कार्ड, A4, A5, लीगल, जो भी यानी कि आप सिलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ पर सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये देख सकते हैं यूनिट्स यहाँ पे इंचज़ में करना चाहते हैं तो इंचज़ में कर सकते हैं, मिलीमीटर्स, ये पिकाज, पॉइंट्स, पिक्सल्स, ये जो भी आप यानी कि एनीवे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली मैं जो यूज़ करता हूँ वो इंचज़ यूज़ करता हूँ, और इंचज़ में ईजी से हम अपना काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम बिज़नेस कार्ड फॉर एग्ज़ाम्पल बिज़नेस कार्ड का साइज़ लेते हैं, ये देखें 3.5 बाय 2, ये बिज़नेस कार्ड का साइज़ है। ये हमारा जो पेज है ये बिज़नेस कार्ड है, डेफिनेटली ये मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ, ये सिलेक्ट नहीं होगा, लेकिन ये हमारा अंदर वाला जो सिलेक्शन के अंदर है ये हमारा पेज साइज़ है। उसके बाद ये बाहर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, जो मैंने रेक्टेंगुलर लिया था तो उसका साइज़ अभी आपके सामने ये देख सकते हैं 7.087 2.722। तो ये आप देख सकते हैं और नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक तरीका ये है कि हम इसको अपनी मर्ज़ी से ड्रैग करके लेके आ सकते हैं, और दूसरा इसको मैं डिलीट का बटन दबा के मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो आप नेक्स्ट ये देख सकते हैं, आप इस पे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर रेक्टेंगुलर इसके अंदर जब भी आप इसके अंदर कलर देना चाहें या कुछ भी आप डिज़ाइन बनाना चाहें तो डेफ़िनेटली आपको एक न्यू पेज बनाना पड़ेगा।
जो कि आई मीन न्यू पेज यहाँ पे वो होता है कंसीडर किया जाता है कि रेक्टेंगुलर लिया जाता है। रेक्टेंगुलर के ज़रिए हम अपना पेज क्रिएट कर सकते हैं और अपना डिज़ाइन बना सकते हैं। तो यहाँ पे इस रेक्टेंगुलर को लाने के तीन तरीके हैं। नंबर वन, आप इसको ऐसे लेके आ सकते हैं सिलेक्ट करके, ये देख सकते हैं। अभी मैं इसको डिलीट का बटन दबा के डिलीट कर रहा हूँ। तो उसके बाद नंबर टू, F6 दबा सकते हैं जी। F6 दबाने से ये पेज हमारे पास है, यहाँ पे हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे भी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, यहाँ पे अभी हमारा ये कर्सर है, ये आप देख सकते हैं। तो F6 दबाएंगे तो आपके पास ये रेक्टेंगुलर आ गया, ठीक है। नंबर थ्री हम क्या कर सकते हैं, हम इस रेक्टेंगुलर पे आके डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास पेज आ जाएगा जी। ये आप देख सकते हैं मैंने डबल क्लिक किया है तो ये आपके पेज के अंदर आ गया है। ये बहुत आसान से तरीके हैं। डेफिनेटली मैंने आपसे कमिटमेंट की है कि मैं आपको न्यू चीज़ें दूंगा तो इंशाल्लाह ज़रूर दूंगा। ये पेज को क्रिएट करने के तीन तरीके थे जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद हमारा ये पिक टूल है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम सबसे पहले हम इस फाइल को, पिक टूल को, इसको पकड़ के हम इसको जहाँ चाहें मूव कर सकते हैं, जहाँ चाहें जिस जगह चाहें हम इसको मूव कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास ये डेफिनेटली ये पिक टूल, फ्री हैंड टूल और फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। यहाँ पे पिक टूल को मैं कंफर्म करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले ये देखें आपके सामने, ये मैं इसको ड्रैग करता हुआ लेफ़्ट क्लिक दबा के आऊँगा और जैसे ही मैं राइट क्लिक दबाऊँगा तो इसका डबल कर्सर सेलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए मैं राइट क्लिक दबा दिया है तो ये डबल हो गया है। इसके बाद अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक और लेना चाहते हैं तो लेफ़्ट क्लिक से आप ड्रैग करते हुए लेके जाएं और राइट क्लिक कर दें जी। ये आपके सामने ये तीनों हो गए हैं और इसी तरह ही आप इसको अगर छोटा या बड़ा करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आपके सामने है, मौजूद है जी। ये आप कर सकते हैं, ये कर्सर से कर सकते हैं, ये देख लें, ऐसा कोई इशू नहीं है, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, बहुत इजी से सॉफ्टवेयर है और इसमें हम ऐसे काम कर सकते हैं जैसे हम फॉर एग्ज़ाम्पल बोर्ड मार्कर पर अपने हाथ से लिख रहे होते हैं, ऐसे ही हमारा कर्सर काम कर रहा होता है। जहाँ चाहें जिस वर्ड को चाहें हम काम कर सकते हैं जी। अभी ये मैं आपको बताता हूँ कि हमारा ये नेक्स्ट हमारे जो टूल है ये फ्री हैंड पिक टूल, इसका क्या काम है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें आपके सामने है जी। इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये पकड़ के भी, इसके भी दो तरीके हैं डबल, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी फाइल को डबल करना चाहते हैं, एक तो हम उसको लेफ़्ट क्लिक से मूव करते हुए राइट क्लिक ड्रैग करेंगे तो हमारी वो फाइल आ जाएगी और दूसरा उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल डी जी। आपके सामने क्या होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये है कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो आपकी फ़ाइल डबल हो जाएगी। ये देख सकते हैं आप कंट्रोल डी, ये देखें जितनी आप कंट्रोल डी प्रेस करते जाएंगे आपकी फ़ाइल जो है वो उसी तरह ही ये डबल होती जाएगी, ये आप देख सकते हैं जी। इसके अलावा फॉर एग्ज़ाम्पल नेक्स्ट हमारे पास है फ्री हैंड पिक टूल। यहाँ पे फ्री हैंड पिक टूल के मदद से भी हम काम कर सकते हैं जी। ये आप देख सकते हैं ये फ्री हैंड पिक टूल है, ये वहाँ पे इस्तेमाल होता है मोस्टली जहाँ पे। और याद रखिए हमारा बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एडोब इलस्ट्रेटर है और इसके अलावा एडोब भी है, जहाँ पे थोड़ा सा भी अगर कॉर्नर पे हम टच कर लेते हैं तो क्या होता है वो सिलेक्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ये सिलेक्ट तब तक नहीं होगा जब तक हम इसको मुकम्मल सिलेक्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ये मैंने इसको मुकम्मल सिलेक्ट कर लिया लेकिन कॉर्नर शॉर्ट सा रह गया, लेकिन ये सिलेक्ट नहीं होगा। तो अगर हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये आप देख सकते हैं अभी ये चार कॉर्नर को, चार रेक्टेंगुलर को टच कर रहा है लेकिन हमारे जो कंप्लीट सिलेक्ट है वो एक है, तो यहाँ पे एक ही सिलेक्शन आएगी, ये देख सकते हैं ठीक है। ये बहुत इजी सा टूल है, इसको हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बहुत बारीकी में, बहुत यानी कि ऐसा डिज़ाइन जिसमें हमें सेलेक्ट करना मुश्किल हो रहा होता है तो हम इस टूल को इस्तेमाल करते हैं, ये देख सकते हैं आप जी। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास थर्ड जो है फ्री ट्रांसफॉर्म है। फ्री ट्रांसफॉर्म जी ये आपका बहुत अच्छा टूल है, इसकी मदद से आप बहुत आसानी से काम कर सकते हैं। ये आपका फॉर एग्ज़ाम्पल ये किसी भी साइड पर
आप सिलेक्शन कर सकते हैं किसी को भी। फॉर एग्जांपल ये मैं इकट्ठे करके हम दोबारा से पिक टूल लेते हैं, ये मैंने पिक टूल ले लिए और अभी हम इनको सबको इकट्ठा करते हैं। अभी मैं आपको इसका थोड़ा सा फ़र्क बताता हूँ, ये बहुत अच्छा टूल है और आपको इंशाल्लाह ज़रूर मज़ा आएगा। ये काम करते हुए आप बहुत अच्छा फील करेंगे और आप ऐसे समझेंगे कि आप कोई गेम खेल रहे हैं, और डेफिनेटली ये एक गेम है और ये वो गेम है जिससे हम इंजॉय भी कर सकते हैं और पैसे भी कमा सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं पिक टूल लेता हूँ तो डेफिनेटली मुझे इस पे पिक करना पड़ेगा, ये देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो आपका फ्री ट्रांसफॉर्म टूल है, ये आप बिल्कुल मिड पॉइंट पे, ये देखें आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। ये मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये अगेन दोबारा से हम पिक टूल लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला टूल है, सेंटर में है, हम क्या करते हैं पिक टूल दोबारा से लेते हैं, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल लेके हम इसको क्या करते हैं, ये देखें मिड पॉइंट, ये आप एज नोट कर सकते हैं, एज इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, ये देखें ये हम इधर लेके जा रहे हैं, ये इस साइड पे मूव हो रहा है, और अगर हम इस साइड पे लेके आएंगे तो ये इस साइड पे मूव होगा, ऊपर देखेंगे तो डेफिनेटली इसकी शेप चेंज होती जाएगी। ये आपका जो मिड पॉइंट है, ये आपका ये वाला पॉइंट है, ये जो क्रॉस आपका पॉइंट आ रहा है ये वाला आपका मिड पॉइंट है। आप इसकी मदद से आप किसी भी रेक्टेंगुलर को, किसी भी वर्ड को, किसी भी राइटिंग को, कोई भी ऐसा डिज़ाइन जो कि इजीली से आप क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि मुझे आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज के दिन हमारा यही 3 टूल्स हैं, पिक टूल, फ्री हैंड टूल एंड फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, ये बहुत ही अच्छे टूल हैं। और इसके साथ साथ मैंने आपको डेफिनेटली रेक्टेंगुलर भी बता दिया है, ये हमारा टॉपिक आज का नहीं था, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जाएंगे आगे कंटिन्यू करेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और डेफिनेटली यहाँ पे रेक्टेंगुलर के बगैर मैं क्लास स्टार्ट ही नहीं कर सकता, इसलिए मुझे इसकी हेल्प लेनी पड़ गई है। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था कलर्स के हवाले से, ये कलर्स का भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा, यहाँ पर आप कोई भी रेक्टेंगुलर सेलेक्ट कर सकते हैं और आप कलर दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, इसमें ऐसा कोई वो टेंशन वाली बात नहीं है, आप बहुत इजी से काम कर सकते हैं, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है और इंजॉय कर सकते हैं। ये इंशाल्लाह मैं जितना जल्दी हो सका इस चीज़ को आप भी साथ साथ यानी कि इसको क्लियर करते जाएं, और जैसे ही ये हमारा सॉफ्टवेयर क्लियर होगा इंशाल्लाह मैं आपको ऑनलाइन अर्निंग के तरीके भी बताऊँगा जिसमें आप इस पर बैठ के ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकते हैं। और इसमें आपको मैं शॉर्टकट कीज़ भी साथ साथ बता रहा हूँ, बेहतर यही है कि आप साथ साथ नोट करते जाएं, और अगर आप साथ साथ नोट नहीं करेंगे तो लास्ट में भी मैं इसका डिटेल में इन डिटेल एक लेक्चर रखूँगा, इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा। और मैं हर मुमकिन कोशिश करूँगा कि हर चीज़ मैं आपको आसान से आसान करके बताऊँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप देखें, मैंने आपको टिल द एंड, मैंने आपको ये नहीं कहा कि आप लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट्स कर दें। सो आई रिक्वेस्ट यू नाउ एट द एंड ऑफ टॉपिक, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस, ये ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ जो कि डेफिनेटली इसके ज़रूरतमंद हैं और वो ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं। डेफिनेटली आप समझते हैं कि पैसे की किसको ज़रूरत नहीं होती, हर बंदे को ज़रूरत होती है, और अगर बाइज़्ज़त तरीके से हमें पैसा मिल जाए तो उससे बड़ी कोई बात ही नहीं होती। और बाइज़्ज़त तरीका वो होता है जो कि हम अर्निंग करके लेते हैं, अपनी मेहनत करके लेते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज हम इस टॉपिक को इसी नाम से सेव करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको सेव करने के, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम सेव भी कर सकते हैं, अगर सेव पे क्लिक करें तो इसको हम डेस्कटॉप पे जाके क्लास 1 के नाम से कर सकते हैं। जी क्लास 1, आज की हमारी क्लास 1 है, तो इसको हम इसी तरह ही सेव कर देते हैं, ये डेस्कटॉप पे है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।